देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी न्यूज साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन डीसीबी पुलिस ईस्ट ने 2 फरवरी को सांगनेर थाना इलाके के डिपार्टमेंट स्टोर में हुई फायरिंग और साथ ही डेढ़ लाख रुपए की डकैती की वारदात का पर्दाफाश किया है पुलिस ने इस पूरे मामले में सरगना समेत तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया वहीं सब पूरे मामले को लेकर एवन संवाददाता ने की डीसीपी ईस्ट राहुल जैन से खास मुलाकात सुनिए क्या कुछ कहा राजधानी जयपुर शहर के अंदर सांगने थाना इलाके के अंदर दो फरवरी को एक डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर डकैती की वारदात होती हथियारों के बल पर यहाँ पर जो बदमाश थे वो करीब डेढ़ लाख रुपए लूट के लेके गए थे यहाँ पर डीसीपी नंबर बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे मामले का पर्दाफाश किया है और तीन बदमाशों को यहाँ पर गिरफ्तार किया है जानेंगे कि किस तरह की पूरी कार्रवाई रही है क्योंकि एक महीना का पूरा प्रोसेस लगा है इसके अंदर लेकिन फिर भी पुलिस ने बड़ी मेहनत करके यहाँ पर

तो इसमें पुलिस ने अलग अलग तरीके से सुराग रसी करते हुए आज तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और जयपुर से ही गिरफ्तार किया है तो उनकी निशानदेही पे दूसरे लोगों को भी अब गिरफ्तार किया जाएगा इसमें हमने जेल प्रशासन से कुछ क्लू लिए थे टेक्निकल सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस करके हमने इन लोगों को पकड़ा है और अब इनसे बरामदगी वगैरह की चीज़ें चल रही हैं जैसे कि हथियार है अन्य रुपए पैसे वगैरह हैं वो बरामद किए भी हैं कुछ तो और बाकी की शेष बरामदगी है तो जैसे ये पुलिस रिमांड पर आ जाते हैं तो हम आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे सर पुलिस का काफ़ी सहयोग रहा पूरी टीमों का टोंक पुलिस की भी मदद ली गई टेक्निकल सर्विलांस को लेकर के देखें तो करीब पंद्रह टावर आप लोगों ने खंगाले किस तरह की प्रक्रिया रही है क्योंकि बड़ा टफ था इन लोगों को पकड़ना जी हाँ देखिए हम लोगों के जो टेक्निकल स्टाफ है वो काफ़ी कॉम्पिटेंट है और दो अकेले व्यक्तियों ने सिर्फ दो व्यक्तियों ने मिल मतलब करीबन करीबन पंद्रह टावर्स का चौबीस घंटे का एक महीने का टावर डेटा खंगाल डाला जिससे कि सफलता हाथ में आई जो कि एक मोबाइल लूट कर ले गए थे उसको हमने पिन पॉइंट कर लिया था पर इसमें जो ह्यूमन इंटेलिजेंस था उसका काफ़ी बड़ा रोल रहा है तो मेनली तो ये दोनों को क्लब करके हम लोगों को सफलता मिली है ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या टेक्निकल सर्वेलेंस हो बाकी तीन लोग जो फरार हैं उनको लेकर के किस तरह बिल्कुल उनके बारे में अनुसंधान जारी है वो भी जल्दी पकड़ में आएंगे ये थे हमारे साथ डीसीपी पीछ राहुल जैन जो बता रहे थे कि यहाँ पर टेक्निकल जो सपोर्ट था वो काफी लिया गया था और उसके बाद यहाँ पर तीन बदमाशों को यहाँ पर पूरे मामले में पकड़ करके यहाँ पर डीसीपी पीछ पुलिस ने और जो सांगने जो थाना है उसके साथ मिलकर के पूरे मामले का यहाँ पर पर्दाफाश किया है फिलहाल इस मामले में तीन लोग फरार हैं पुलिस तीनों बदमाशों को जो फरार चल रहे हैं उनको जल्दी यहाँ पर गिरफ्तार कर लेगी कैमरा पर्सन दिनेश मेरा साथ यदिंदर शर्मा एवं टीवी न्यूज